हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। इस समय बज रहे सुबह के 7:15 और मेरी शक्ल 7:15 वाली लग नहीं रही। मुझे पता है बहुत ही घटिया शक्ल आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत है और इससे ज़्यादा मैं सुबह सुबह बन संवर नहीं सकती हूँ। मैं कुछ नहीं, अभी बस शुरू कर दिया व्लॉग, चलो शुरू करते हैं। हाय कितनी गंदी लग रही है, थोड़ा कम गंदी लगनी चाहिए मुझे, है ना, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। थोड़ा तो कम से कम इंसान देख सके शक्ल, चलो आप टॉलरेट कर लो। भयंकर गर्मी हो रही है, ये बारिश के बाद वाली जो ह्यूमिडिटी उमस होती है ना, उसकी प्रॉब्लम है। आज है मंडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काम होगा। और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बोली जा रही हूँ बकवास। हाँ, एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरा एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब हो गया है, जो एक बार बन चुका है बट फिर ख़राब हो गया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसको दो दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ। तार हिलाओ तो सही आ जाता है, फिर हिलाओ तो चला जाता है, अब तो पूरा चला गया क्योंकि मैं उसको गिरा दी। अब चलो उसको सही करता है, चलो फिर हो जाओ। क्या हुआ शोना, आओ, मेरी शक्ल दिख रही क्या? अरे यहीं पे हूँ मैं, ठीक है, कैमरा नीचे किया है, अब पीछे हो जाओ क्या? अब दिख रही, कैसे लगाए इंसान कैमरा भाई, दिख नहीं रहा शक्ल ही, लो हो गया ना। अरे रुको, ये एक्सटेंशन बोर्ड है ख़राब हो गया है, बनाने जा रही हूँ, बना तो ठीक, नहीं बना तो जय माता दी। चलो खोले हम इसको सर, लो जी खोल तो दिया है, खोल तो दिया है, खोल तो दिया है, अब बन जाओ बस। ये रहा इसका बल्ब, हाँ, जो कि ढीला है, कहीं सर्किट ढीली है इसकी वजह से। ये इसका बल्ब है ना, ये तो ठीक है क्योंकि ये जल रहा है ना, कुछ चक्कर है। ये देखो, एक तो चक्कर ही है, दिख रहा है ये कैसे दिखेगा, ये दिख रहा है कचरा, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बट स्टिल यार ठीक तो सब है, तब क्या इसको मौत आ रही है, ऐसा खुला हुआ है ना। ओए ये कहाँ से गिर गया? तो जी अभी मेरी बहुत बुरी तरह वाली झड़प हुई है, ये एक्साइटल, एक्चुअली क्या है मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी। ये जो एक्साइटल का ये वाईफाई मैंने लगवाया हुआ है, आप देख लो, ये रेड लाइट आ रही है ना इसमें, ये रेड लाइट आ रही है ना, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ ताकि आप भी बचो इस सब चीज़ों से। बहुत ही ख़राब सर्विस है इसकी, और जो लोग मेरे सिटी में देख रहे हैं यहाँ पे ना, स्पेशली वो सर्विस प्रोवाइडर्स, और आगे से आप लोग भी बचो इन सारी चीज़ों से, है ना। क्या है कि इन्होंने मेरे से, जो ये सर्व लोकल एरिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने मेरे से लिए हैं, मेरे से हर ये मंथली का ये थ्री मंथली मुझसे 1500 रुपये लेता है, ठीक है, मेरे से 1500 रुपये ये लेते हैं कि मैं 3 महीने का आपका रिचार्ज करूँगा, ठीक है, और मैनुअली लेते हैं मेरे से। मतलब मेरे को जब इन्होंने कनेक्शन लगाया तो बोला कि आप मुझे 1500 मोबाइल पे, सामने से बोला कि आप मुझे मोबाइल पे 1500 रुपये भेजा करो, और 3 महीने का 1500 आप मुझे भेजो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मैं भेज दिया भाई, चलो 1500 रुपये ले लो। सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम है, सर्विस प्रोवाइड करना ना हमें, हमें कौन, कंपनी और कस्टमर के बीच में कौन है जो मीडिएटर है, सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट, उन पर ही तो ट्रस्ट करेगा ना कस्टमर,
मैंने ट्रस्ट किया और उनको मैंने 1500 रुपये भेजते आ रही हूँ। इतनी ख़राब सर्विस है मैं बता नहीं सकती। आप इस मेरी व्लॉगिंग के जो भी व्लॉग आ सकती है इसमें भी आपने देखा होगा कितने दिनों मैंने बोला है नेट नहीं चल रहा। हम हर महीने, मैं आपको बताऊँ, हर महीने कम से कम मैं 400-500 रुपये का मैं मोबाइल डेटा रिचार्ज करती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, 400-500 का मैं मोबाइल डेटा रिचार्ज करती हूँ क्योंकि नेट ही नहीं चलता। मेरा नेट के बिना काम ही नहीं हो सकता। मेरी जो भी मीटिंग्स है कुछ सब इंटरप्टेड है भाई। तो मैं, और जब से लगवाया हुआ मुझे लगता है छः महीने हो गए ऑलमोस्ट, लगाए उससे ज़्यादा हो गए होंगे। यही सीन है। स्टार्टिंग में मैंने क्यों लगवाया एक्साइटल भाई, मैं एयरटेल लगवाती और भी कुछ लगाती। एक्साइटल इसलिए मैंने लगाया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें ये लगा कि कंपनी नई है तो ऑब्वियसली अपनी कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे। दूसरी बात ये कि जब इनके लोकल एरिया सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं इनको कॉल करो तो ये फ़ोन काट देंगे आपका, ठीक है। आपको सुबह 9 बजे का नेट ख़राब है, आपको रात को 9 बजे फ़ोन उठाएंगे, कहेंगे कि हाँ मैम क्या प्रॉब्लम है। ये तो सर्विस है इनकी, फ़ोन काट देंगे। 4-4 दिन गांव पे पड़े रहते हैं, कुछ खबर नहीं है कि क्या आज का क्या प्रॉब्लम हुआ, कि नेट सुबह से ख़राब है, ठीक है। सुबह से 12:30-11 बजे से नेट ख़राब है। मैं इनको कॉल पर कॉल की जा रही हूँ, दो लोग हैं, मैं नाम भी ले रही थी इनका, लेकिन ठीक है मैं नाम नहीं ले रही हूँ, है ना। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, मैं ब्लॉग जो यहाँ मेरे एरिया के होंगे मुझे जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा अगर वो जानते होंगे इन सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इसीलिए नाम नहीं ले रही हूँ। इन लोगों ने क्या किया है, आज सुबह से मैं परेशान हूँ 11:30 बजे से, और ये जो है हमें क्या बोलते हैं फ़ोन नहीं उठा रहे, ठीक है। कंपनी से कंपनी सर्विस सेंटर पे मैंने कॉल, क्या बोलते हैं, कस्टमर के पे मैंने कॉल किया तो वो बता रहे हैं कि आपके एरिया में नेटवर्क डाउन है। चलो ठीक है, नेटवर्क डाउन है मेरे एरिया में, कंपनी तक को पता है मेरे एरिया में नेटवर्क डाउन है। सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन कर रही हूँ यहाँ लोकली तो उठाते नहीं है फ़ोन। 5 घंटे बाद फ़ोन उठाया तो मेरे से पूछ रहे हैं मैम क्या प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है क्या। मतलब इन्हें खबर ही नहीं है कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ लेना देना ही नहीं है। पैसे लेने को ले लो मेरे से, है ना, सर्विस से कोई मतलब नहीं है। कस्टमर पागल हो रहा है फ़ोन कर करके, कोई मतलब नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाते। पता नहीं अपने आप को क्या VIP प्रेसिडेंट समझते हैं, फ़ोन उठाओ अपनी बात बोल देगा बंदा, काट देगा फ़ोन, फिर फ़ोन करते रहो। पता नहीं क्या मोड में डाल देता है कि वो बिजी बताएगा पूरे टाइम। ये तो इनकी सर्विस है। मैंने अभी कस्टमर सर्विस को कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि मैं ये बताऊँ, नेट तो छोड़ो, इनकी कस्टमर सर्विस इतनी घटिया है जिसकी कोई हद नहीं है। कस्टमर केयर पे 5 बार मुझे कॉल, 4 बार मुझे कॉल करना पड़ा है, एक ही बात 5 बार, हर बार कोई और उठाता है, हर बार उसको गाथा सुनाओ अपनी और फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ ही बंद हो जाती है, नेटवर्क ही नहीं आता। जब इन्हें नेटवर्क कॉल पे नहीं आ रहा है इनके, तो पता नहीं कहाँ से उसमें नेट पे आएगा, ठीक है। सो 1500 रुपये मैंने इनको पे किए हैं जिसका इनको रिचार्ज 3 महीने का करना चाहिए। तो इस बंदे ने क्या किया है कि मेरे से 1500 रुपये लेके ये रिचार्ज करते हैं एक महीने का, ठीक है। तो मैंने इनको 25 मई को पैसे दिया था, मैंने इनको 25 मई को 1500 रुपये पे किए हैं। 25 मई से 25 जून एक महीना हुआ, 25 जून से आज 5 गिन लो, 5 जुलाई मान लो, 5 जुलाई एक महीना 10 दिन, ठीक है। मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि आपका तो सिर्फ 20 दिन का रिचार्ज बाकी है, है ना, जबकि मैंने इनको 3 महीने के, मेरा चलना चाहिए था 25 मई से 25 जून, 25 जुलाई 25 अगस्त तक का मैंने इनको पैसा दिया हुआ है, और कस्टमर सर्विस मुझे बता रही है कि आपका तो सिर्फ 20 दिन का रिचार्ज, मतलब कि जुलाई तक का ही इन्होंने रिचार्ज किया है। तो इन्होंने मेरे 1 महीने के पैसे खाए। चलो ठीक है, मैं सर्विस टर्मिनेट कराना चाहती हूँ। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, मैं जुलाई में आज ही अपनी सर्विस कटवाना चाहती हूँ, तो मेरा जितना पैसा मैंने आपको दिया वो मुझे वापस कर दो। तो कह रहे पैसा वापस नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रीपेड सर्विस है, इसमें पैसे रिफंड नहीं होते, रिचार्ज कुछ भी करा लो। अगर एक पल को मैं मान लूँ कि पैसे रिफंड नहीं होते हैं तो भैया आपने मेरा रिचार्ज कब किया है? रिचार्ज तो आपने 20 दिन का किया, 1 महीने का, बाकी का जो 500 रुपये अगस्त का मेरे से लिया है ना, तो वो आपने कंपनी को दिया है क्योंकि उसका रिचार्ज नहीं किया आपने, वो आपने अपनी जेब में डाल लिया है, तो वो 500 रुपये तो मुझे वापस मिलने चाहिए ना, क्योंकि वो तो आपने रिचार्ज नहीं किया ना, वो तो आपने मेरे से लिया है, अपने पास ही रखा है, क्योंकि रिचार्ज तो उसका हुआ ही नहीं है 500 रुपये का। तो ये 500 रुपये ये खा के बैठे हुए हैं, अब ये देना नहीं चाह रहे मुझे, मैं सर्विस टर्मिनेट कराई। तो कस्टमर केयर पर मैंने कॉल करा तो ये कह रहे हैं कि आप उसके खिलाफ चाहे जो कर दो। मैं अब लिटरली जा रही हूँ FIR करने इस सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं करता ही, तंग कर दिया है इसे, लिटरली तंग कर दिया। अब आप जितने भी लोग ये लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, उन लोग को इस चीज़ से बचे रहना, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स को कभी हाथ में पैसे नहीं देना है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं पक्का, ये अपने जेब से लाके 500 भी देगा, और अगर कंज्यूमर फोरम में केस किया मैंने तो 500 रुपये मेंटल हैरेसमेंट के पैसे अलग से लाके कंपनी देगी। 20 दिन को तो देगी ही देगी, और 500 रुपये जो जेब में डाल लिए ना, पागल समझाया मैं,
पैसे ले लेंगे और पता नहीं क्या ये कथा बता रहे हैं कि ये तो इतने का रिचार्ज इतने का दे रहा। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, मेरे पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट है कि मैंने इनको कब 1500 रुपये पे किए हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज है कि बंदे ने सामने से मुझे मैसेज किया कि मैम आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, आप मुझे पैसे सेंड कर दीजिए मैं रिचार्ज कर दूंगा, मेरे से पैसे मांग रहे। तो ये काम कर रहे हैं, ये लोग पैसे ऐड रहे हैं, तो इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप लोग भी अब से अवेयर हो जाओ कि ये इस जहाँ से मैं नहीं पढ़ना है कभी।